एक औरत जिसे 9-10 लोग, कहा जाता है कि 19-20 लोग दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। इतनी बुरी तरह से उसका जिस्म कुचला जाता है कि उसके जिस्म की हड्डियां टूट जाती हैं। मुझे याद है उसकी माँ के ये अल्फाज कि किस तरह टांगे एक बेड की तरफ साइड पर थी और दूसरी दूसरे साइड पर। पेल्विस टूट चुकी थी, कमर की हड्डियां टूट चुकी थी, चश्मा टूट कर आँखों में कंकरियां घुसी हुई थी, टांगे फ्रैक्चर इतनी कि इकट्ठी नहीं की जा सकती थी, चेहरा और जिस्म खून से लथपथ, जिस्म पर 100 से ज्यादा काटने के निशानात, शायद सांस खत्म हो गई होगी और हवस पूरी करने वाले अपनी हवस पूरी करते रहे होंगे। किस कदर दर्द से गुजरी होगी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। सरहद और मजहब से हटकर सोचो तो वो एक औरत थी। सच लिखूं तो ये है कि पहले दिन पैदा होने से लेकर औरत कब्र तक महफूज नहीं है। हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहां नकाब हिजाब में नज़र को झुकाकर चलने वाली भी महफूज नहीं। कब्र में लेटी लाशों को भी डर होता है गोर्दन से, और ये झूठ भी नहीं है। एक शादीशुदा औरत जो माँ बाप की रजा से निकाह करके मर्द के साथ आती है वो उससे महफूज नहीं, वो भी पहले ही दिन अस्पताल पहुंच जाती है। मुझे उस एक जुमले से बेहद ज्यादा नफरत है कि तुम अपने घर की औरतों की बड़ी इज्जत करते हो और घर की औरत की तो सब इज्जत करते हैं। पता तो तब चले जिस दिन तुम ये कहो कि मैं गैरत वाला हूँ, बाहर की औरत भी मुझसे महफूज है। मगर ऐसा कब होता है? यहाँ तो उस्ताद से बच्चे महफूज नहीं, महरिम रिश्तों से औरत महफूज नहीं। तुम औरतों को किसी खिलौने की तरह तोड़कर फेंक देते हो और सोचते हो तुम मर्द हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो याद रखो ये उस दिन होगा जिस दिन इस कायनात का कोई खुदा नहीं होगा। औरत ना सही उसे इंसान तो समझो।